अच्छा, विंडो कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इसमें डॉक्यूमेंट विंडोज तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सिलेक्ट फोल्डर, और यहाँ से स्टोर एप्लीकेशन। और स्टोर में भी आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं यूनिवर्सल। इसमें याद रखिएगा कि अगर आपने यूनिवर्सल चूज किया है तो ये मोबाइल और दोनों चीज़ें आपके साथ होंगी। अभी हम सिर्फ विंडोज ऐप की बात करें तो आपने विंडो ऐप पे क्लिक करना है, ब्लैंक ऐप, एंड इसको आपने ओके कर दिया। लास्ट टाइम पे मैंने आपको स्टैक पैनल और उसके अंदर हमने आपको थ्रू XAML कोडिंग के आपको करवाने की कोशिश की थी। आज हम थोड़ा सा उन्हीं चीजों को एक और तरीके से भी करेंगे। आपके सामने आ चुका है। अब इसमें आप मेन पेज डॉट जैमल पे क्लिक कर दें। आप हम दो हिस्से हैं इसके, एक डिजाइन व्यू है और एक आपका जो है वो जैमल व्यू है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसकी एक्टिवेट होने में। जी, तो आप टूल बॉक्स में आएंगे, जब XAML व्यू में होंगे तो आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज नजर आ रही होंगी। आप इसका देखेंगे, ये बटन है, मैं एक बटन को पिक करके एक स्क्रीन के ऊपर प्लेस करूँगा। ये बटन आ चुका है। आप इसके व्यूज को अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं, लाइक 50%, लाइक टॉल। ये अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले तो एक लेबल होगा यहाँ पे, लेबल लेबल टाइप्स में क्या था, टेक्स्ट ब्लॉक, सॉरी टेक्स्ट ब्लॉक है, यहाँ पे लेबल नहीं होता, टेक्स्ट ब्लॉक होता है। आप टेक्स्ट ब्लॉक लें, जब आप टेक्स्ट ब्लॉक लेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाए। जो कल आपने, अगर आप जरा गौर करें तो नीचे आपको वैसे ही XAML लिखी हुई आ रही होगी, टेक्स्ट ब्लॉक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू 193, या आप देखते जाए 101, ये इसकी मार्जिन हो गया। टेक्स्ट रैपिंग, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, रैप टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्लॉक, और वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी आ गई। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है आपके पास इसकी आती जा रही। अब एक तरफ आपकी प्रॉपर्टीज के लिए एक मेन्यू जैसे भी बना हुआ, अगर आप इसमें आ जाए तो सबसे पहले मैं अपीयरेंस के ऊपर आता हूँ। मैं इसकी विजिबिलिटी 2 है, इसका टेक्स्ट ब्लॉक फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू में कुछ भी नहीं रखना चाह रहा, ये खाली हो। और इसी तरीके से इसकी वेट देखें टेक्स्ट की, तो इसके अंदर जो जमा करने हमारे आगे पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन जो आपने बड़ी अमाउंट रखनी होती है वो 38 तक का आप उसको विजिबिलिटी दें। और लेआउट हो गई, इसमें आपके पास विड्थ है, जैसे आप इसको 100 दे दें, ये 100 पिक्सल है, ये 500 है, आप इसको पकड़ के अपने हिसाब से जिस तरह आप स्क्रीन देते हैं वैसी स्क्रीन दे दें। और इसका आपने अगर बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है
वो एक लेवल नीचे से है। बहरहाल मकसद बताने का आपको ये था कि इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम इंशाल्लाह जो डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे सारी आप यहाँ पे आप ब्रश आ गया, इसका फोरग्राउंड आप इसके अंदर ये देखें नो ब्रश है, इसका कलरिंग और है, इसकी कलरिंग और है, आप इनमें से कोई एक लेते हैं ये फोरग्राउंड हो जाएगा। उसके ऊपर टाइल ब्रश है तो उसके ऊपर अलग है, ये मुख्य प्रॉपर्टीज आपकी जो है वो इसके अंदर आएंगी। तो आप इनमें से एक ले लें और जो आप सूट करते हैं। फोरग्राउंड इसी तरह से इसके अपीयरेंस में अरेंज बाय कैटेगरी नेम और सोर्स, उसका नेम आप दे दें स्क्रीन जिसके अंदर हमारा डिस्प्ले होगा, टाइप इसकी टेक्स्ट ब्लॉक है और ओपेसिटी इसकी विजिबिलिटी टेक्स्ट टूल टिप्स डाटा कंटेक्स्ट मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के अंदर ये आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही और आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो बैग बैकग्राउंड कलर फॉन्ट इनेबल्ड कलर फोरग्राउंड इक्वल टू एक्वा अब इस तरह से बटन पे आ जाए। हमने एक बटन बनाना है, या इसका नाम आप B0 रख दें। इसके ऊपर कलरिंग अगर आपने करनी है, ये फोरग्राउंड है उसकी लिखाई, और इसमें आपका टेक्स्ट देखें जहां आपने टेक्स्ट रखा है वहां पे इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को चेंज कर दें। टेक्स्ट कॉलम हम चला गया टेक्स्ट। लेआउट इसको रेंज बाय मेन कर लें। टेक्स्ट कॉमन है